वेलकम इन दिस सेशन. टुडे वी हैव डिस्कस एंटीएलाइजिंग टेक्निक. जो एंटीएलाइजिंग टेक्निक्स हैं, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एलाइजिंग क्या होता है. एलाइजिंग एक ऐसा इफेक्ट है जिससे हमारी जो पिक्चर्स की है क्वालिटी थोड़ा में डिक्रीज दिखाई देती है. अगर हमारी अनमूवेबल इमेज है, यानी एक स्टिल इमेज है, तो वहाँ पे एलाइजिंग इफेक्ट उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता है. हमने क्या करना है, सिर्फ रिजोल्यूशन बढ़ा देना है, तब हमें जो है इस तरह की पिक्चर दिखाई देगी कि वो एलाइजिंग इफेक्ट दिखाई नहीं देंगे हमें. बट अगर बात करें हम एनिमेशन की, तो वहाँ वो जो छोटी टेक्निक्स हैं जिनमें हम रिजोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, उनसे काम नहीं चलता है. वहाँ पे हमें कुछ अच्छी टेक्निक्स का यूज करना पड़ता है, और उन टेक्निक्स को बोलते हैं एंटी एलाइजिंग. जैसे ये हो गया पोस्ट फिल्टरिंग, प्री फिल्टरिंग. ये दो टेक्निक्स हैं जिनको भी हमने पढ़ना है. पहले हम यही पढ़ेंगे कि ये एंटी एलाइजिंग जो है कहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है, कहाँ पे हमें एलाइजिंग जो है नॉर्मल मेथड से रिमूव ना होके कुछ अलग से टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, ताकि हमारा जो एलाइजिंग इफेक्ट है वो रिड्यूस हो सके. मोस्ट एलाइजिंग आर्टिफैक्ट्स व्हेन अपीयर इन ए स्टैटिक इमेज एट ए मॉडरेट रिजोल्यूशन आर ऑफन टॉलरेबल एंड इन मेनी केसेस नेग्लिजेबल. जैसे अभी हमने इसमें भी लिखा है कि जो अगर हमारी स्टैटिक इमेज है जिसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो वहां पे नॉर्मल जो मॉडरेट रिजोल्यूशन है, एवरेज जो रिजोल्यूशन है, उस पे भी हमारे एलाइजिंग इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं. वो टॉलरेबल्स हैं, इतने हैं कि उनके रहते भी हमें एक अच्छी पिक्चर्स दिख सकती है. हाउएवर दे कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अवर व्यूइंग एक्सपीरियंस व्हेन लेफ्ट अनट्रीटेड इन अ सीरीज ऑफ इमेज दैट एनिमेटेड मूविंग ऑब्जेक्ट्स. बट कब वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं, कब उनका इम्पैक्ट बढ़ जाता है, जब हम क्या करते हैं, इमेज की सीरीज क्रिएट करते हैं एनिमेशन के थ्रू. एनिमेशन क्या है कि हमारी स्टिल इमेज में थोड़ा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, और फिर उन्हें 25 फ्रेम पर सेकंड से ज्यादा स्पीड से दिखाते हैं. तो वो जो स्पीड है उसके कारण वो जो एलाइजिंग इफेक्ट है वो रिजोल्यूशन तब तक रिमूव ही नहीं कर पाता उसको, तब तक दूसरी पिक्चर, फिर तीसरी पिक्चर, तीसरा फ्रेम, फिर चौथा फ्रेम, ये एक दूसरे को ओवरलैप करते रहते हैं, जिससे साफ दिखाई देता है कि जो एलाइजिंग इफेक्ट यहाँ पे एक मेजर रोल प्ले कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल ए लाइन बींग रोटेटेड अराउंड वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट बिकम ए रोटेटिंग स्केलेटर्स विद लेंथ अल्टरिंग स्टेप्स. जब हम बात कर रहे हैं एक लाइन को, हम किसी एक पॉइंट के चारों तरफ अगर हम मूव कर रहे हैं, तो हमें क्या होता है वहां पे रोटेशन वाला जो इफेक्ट है उसमें, जब हम रोटेशन के इफेक्ट को देखते हैं, तो वहां बिल्कुल साफ दिखता है एलाइजिंग इफेक्ट्स. ए मूविंग ऑब्जेक्ट विद स्मॉल पार्ट और सरफेस डिटेल में हैव सम ऑफ दोज फीचर्स. जैसे अगर हम किसी सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करें, तो वहां पे जो चेंजेस होते हैं जब हम ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं, तो मूव करते समय जो ऑब्जेक्ट में जो चेंजेस हो रहे हैं, वहां हमें साफ दिखाई देता है एलाइजिंग इफेक्ट. और वो ऑल्दो इंक्रीजिंग इमेज रिजोल्यूशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू डिक्रीज द साइज ऑफ मेनी एलाइजिंग इफेक्ट्स. एक तो यही है कि हमारे पास सबसे आसान तरीका तो यही है कि हम हाई रिजोल्यूशन कर दें. हाई रिजोल्यूशन होने का मतलब क्या है, पिक्सल नजदीक नजदीक होंगे, और जितने पिक्सल नजदीक होंगे उतना ज्यादा एलाइजिंग इफेक्ट कम होगा, क्योंकि एलाइजिंग इफेक्ट दिखाई देता है दूर पिक्सल बनने से. पिक्सल अगर दूर बन रहे हैं तो लाइनें जिगजैग दिखाई देंगी, तो जब नजदीक आ जाएंगी तो वो जिगजैग वाली जो स्ट्रक्चर थी वो छोटी हो जाएगी, जिसे हम देख नहीं पाएंगे. यानी सबसे आसान तरीका क्या है, इमेज रिजोल्यूशन को आपने इंक्रीज कर देना है, डिक्रीज द साइज ऑफ मेनी एलाइजिंग आर्टिफैक्ट, एलिवेट देयर नेगेटिव इंपैक्ट. वी पे हैवी प्राइस फॉर टर्म ऑफ सिस्टम रिसोर्स एंड द रिजल्ट आर नॉट ऑलवेज सेटिस्फैक्ट्री. बट क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम रिसोर्स है, सिस्टम रिसोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, मेन मेमोरी. जितना हायर रिजोल्यूशन होगा उतना बड़ा फ्रेम बफर मेमोरी हमें चाहिए, और उतनी ज्यादा जब फ्रेम
बफर हमें ज्यादा नीड पड़ रहा है, तो वो सीधे से हमारा मेन मेमोरी में से ही कुछ मेमोरी को यूज करने वाला है। यानी अगर आपके पास 1 GB मेमोरी है और फ्रेम बफर उसमें से 10% यूज कर रहा है, तो अगर जैसे ही आप रिजोल्यूशन बढ़ा देते हैं तो 10 का 20% यूज करने लगेगा। अब आपके पास जो अवेलेबल स्पेस है, जो वर्किंग स्पेस है, इट बिकम रिड्यूस। तो आपका पास जो वो एरिया है जहाँ सिस्टम वर्क कर सकता है, जहाँ आप प्रोग्राम को सेव कर सकते हो, स्वैपिंग कर सकते हो, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो एरिया कम रह जाएगा। यानी आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है उसका साइज घट जाएगा। दूसरा जो है रिसोर्स, हमारा जो सीपीयू है, सीपीयू के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन लगेगा, उस रिसोर्स को, उस मेमोरी को, ताकि वो पूरी तरीके से डिस्प्ले, जो हमारा वो है पिक्चर क्रिएशन में जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको वो परफॉर्म कर सके। यानी कहने का मतलब टोटल यही है कि जो हमारे सिस्टम रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर आ जाता है। और जरूरी नहीं है कि आर्टिफैक्ट्स जो हमारे जनरेट हुए थे रिजोल्यूशन के कारण वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाए। ऑन द अदर हैंड देयर आर टेक्निक्स दैट कैन ग्रेटली रिड्यूस अलाइजिंग आर्टिफैक्ट्स एंड इम्प्रूव द अपेयरेंस ऑफ इमेज विदाउट इंक्रीजिंग देयर रिजोल्यूशन। अब ये जो हमारे पास कुछ और टेक्निक्स हैं जिनमें हम क्या करते हैं कि बिना रिजोल्यूशन इंक्रीज करे भी एलाइजिंग इफेक्ट्स को हम डिक्रीज कर सकते हैं। दीज टेक्निक्स कलेक्टिवली नोन एज एंटी एलाइजिंग टेक्निक्स। और ऐसी टेक्निक्स जिसमें हम ना रिजोल्यूशन बढ़ा रहे हैं बट पिक्चर क्वालिटी बेटर होती है, उसको बोल रहे हैं एंटी एलाइजिंग टेक्निक्स। टाइप ऑफ एंटी एलाइजिंग, अब बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो एंटी एलाइजिंग टेक्निक्स हैं उनको हम अगर बात डिवाइड करें तो दो मेथड है, पोस्ट फिल्टरिंग, एक है प्री फिल्टरिंग। ठीक है, अभी इन्हें बारी बारी से पढ़ने वाले हैं हम। पोस्ट फिल्टरिंग क्या है? इन दिस प्रोसेस सैंपल रेट इज इंक्रीज एंड दिस इज अकम्प्लिश बाई इंक्रीजिंग रिजोल्यूशन ऑफ द रास्टर। सैंपलिंग रेट, सैंपलिंग रेट का मतलब है कि जो हमारा जो स्क्रीन पे जो है, स्क्रीन पे जो हम जब स्कैन करते हैं तो जो बीम स्वेप्ट करती है उसका सैंपलिंग रेट हम बढ़ा रहे हैं डायरेक्टली, और साथ में थोड़ा रिजोल्यूशन का भी इंक्रीजमेंट कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो आर्टिफैक्ट्स थे एलाइजिंग के वो रिड्यूस हो सके। अब पोस्ट फिल्टरिंग टेक्निक्स भी दो तरह की होती हैं, पहला सुपर सैम्पलिंग, सेकंड है लो पास फिल्टरिंग। जो सुपर सैम्पलिंग है, इन द सुपर सैम्पलिंग स्यूडो रास्टर ऑफ हायर रिजोल्यूशन देन फिजिकल रास्टर। इसमें क्या होता है सुपर सैम्पलिंग में कि हम एक स्यूडो रास्टर जनरेट करते हैं। स्यूडो रास्टर का मतलब एक हमने, जैसे हमारी जो स्क्रीन है उसका रिजोल्यूशन है, हमने एक स्क्रीन का रिजोल्यूशन जो है जितना रिजोल्यूशन है उससे ज्यादा हाई रिजोल्यूशन का एक अपनी तरफ से लॉजिकल रास्टर जनरेट कर लिया और पिक्चर को हमने प्लॉट कर दिया उस लॉजिकल रास्टर पे। अब उस लॉजिकल रास्टर से फिजिकल रास्टर में कन्वर्ट करेगा जो है आपका सॉफ्टवेयर। यानी वो सॉफ्टवेयर का काम है स्यूडो रास्टर से ओरिजिनल रास्टर पे पिक्चर को प्लॉट करना, और वो जो स्यूडो रास्टर है उस पर पिक्सल्स जो हैं वो हाई रिजोल्यूशन पे हैं, जबकि हमारे ओरिजिनल जो रास्टर्स हैं उस पर कम रिजोल्यूशन पे ही काम चल रहा है। जब वहाँ पे ओरिजिनल में कम रिजोल्यूशन पे काम चल रहा है तो हमारा रिसोर्स कम जनरेट होगा, सीपीयू को कम एफर्ट करना पड़ेगा, सारा का सारा वर्क स्यूडो रास्टर जो है वो परफॉर्म करते हैं। ऐसी टेक्निक को बोलते हैं सुपर सैम्पलिंग। सुपर सैम्पलिंग इम्पोज ऑन अ फिजिकल द इमेज इज देन रास्टराइज एट हायर रिजोल्यूशन ऑफ द स्यूडो रास्टर। जो हमारी इमेज है उसको हम स्यूडो रास्टर के हिसाब से हम रास्टराइज करते हैं, स्कैन कन्वर्ट करते हैं, एंड ईच पिक्सल सब डिवाइड इनटू सब पिक्सल्स। और जो स्यूडो रास्टर्स है उसमें क्या होता है, पिक्चर हर एक पिक्सल्स को फिर से सब डिवाइड कर देते हैं सब पिक्सल्स। कैसे होगा ये मैं बता देता हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ आप लोगों को।
ये इस तरीके से होगा कि पहले हम ये बना देते हैं, ठीक है, ये हमारा रास्टर है, ऐसे ग्रिड में डिवाइड होता है, और ये इसके बाद हमारे ग्रिड बना लेते हैं इसको इस तरफ से। ये हमारा रास्टर है, जबकि हमारा रास्टर में क्या होगा, या तो हमारा पॉइंट कहाँ जनरेट होगा, या तो पॉइंट यहाँ जनरेट होगा या यहाँ जनरेट होगा। इसके कारण अलाइजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुए। जो स्यूडो रास्टर है उसमें क्या हो जाता है, उसमें फर्दर इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि वो तो लॉजिकल है अपने हाथ में, तो उसको फिर फर्दर डिवाइड कर लेते हैं। और पिक्सल अब हमारे पास अवेलेबल कहाँ है, पिक्सल अब हम यहाँ पे भी जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी जनरेट कर सकते हैं, यहाँ पे भी जनरेट कर सकते हैं। तो इससे क्या हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी की जो जिगजैग लाइन थी वो रिड्यूस होगी, हाई रिजोल्यूशन के हिसाब से क्रिएट करेंगे, और फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा एक्चुअल रास्टर पे, तो जो पिक्चर्स है वो जिगजैग नहीं दिखाई देगी। ठीक है, ये हमारा एस्पेक्ट है सुपर सैम्पलिंग का। ईच पिक्सल इज सब डिवाइड इनटू सब पिक्सल एंड द पोजीशन ऑफ ईच सब पिक्सल इन द रिलेशन टू ऑब्जेक्ट टू बी स्कैन कन्वर्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है उसका रास्टराइजेशन जो होगा वो स्यूडो रास्टर के हिसाब से होगा, ओरिजिनल रास्टर के हिसाब से होगा ही नहीं। लो पास फिल्टरिंग क्या है, इन दिस अप्रोच वी रीअसाइन ईच पिक्सल ए न्यू वैल्यू दैट इज वेट एवरेज टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड ओरिजिनल वैल्यू टू इट्स नाइबर्स। जो उसके नाइबर्स हैं उनका हम वेट असाइन कर देते हैं एक पिक्सल्स पे। अब क्या करेंगे, हम उन वेट्स का एवरेज निकाल लेंगे और उस एवरेज को उसके जो नाइबर्स हैं उन पे असाइन कर देंगे, यानी अगर सिलेक्शन होना है तो वो नाइबर पिक्सल्स को सिलेक्ट करेगा। लो फिल्टरिंग इन फॉर्म ऑफ ग्रिड, यानी हमारा जो चारों, इसी में दिखा देता हूँ मैं कैसे काम करेगा ये जो है, इसमें हमने क्या करना है, एक वैल्यू असाइन करनी है, इसके नाइबर पता चल जाएंगे हमें कौन कौन से, जो इसके चारों तरफ हैं उनका एवरेज निकाल लेंगे, और वही यहाँ असाइन होगा, वही यहाँ, वही यहाँ, वही यहाँ। तो अब इससे पता चलेगा कि इसके नाइबर कौन कौन से हैं। जो नाइबर पिक्सल्स हैं वो ग्रिड की फॉर्म में होंगे, और वही हमारी जो है पिक्चर रास्टराइजेशन में हमें हेल्प करेंगे। यानी पॉज फिल्टरिंग की अगर बात करें तो पॉज फिल्टरिंग टोटली लॉजिकल वर्क पे एस्पेक्ट पे काम करती है, फिजिकल एस्पेक्ट पे काम नहीं करती है। हेयर वी अलाइन द फिल्टर विद पिक्सल ग्रिड एंड सेंटर इट टू पिक्सल इन ऑर्डर टू न्यू वैल्यू फॉर ए पिक्सल्स। जो हमारी पिक्सल्स हैं उन एवरेज से कंप्यूट करके उसकी नई पोजीशन हम कंप्यूट कर सकते हैं, कि ये कहाँ पे जाके स्टोर होगा, कहाँ पे जाके ये वैल्यू, कहाँ पे जाके ये वैल्यू दिखाएगा, 0 या 1। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो प्री फिल्टरिंग है। प्री फिल्टरिंग क्या है, पोस्ट फिल्टरिंग से इजी टेक्निक है। बस इसमें क्या होता है, इसमें हम पिक्सल पे ना काम करके पूरे एरिया पे काम करते हैं। इन दिस मेथड ए पिक्सल इज ट्रीटेड एज ए फाइनाइट एरिया रेदर देन ए पॉइंट। जहां हमने हर एक पिक्सल पे काम करना था पोस्ट फिल्टरिंग टेक्निक पे, चाहे सुपर सैम्पलिंग हो या आपका लो पास फिल्टरिंग हो, हर एक पे पिक्सल्स पे यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ देखो जो भी वर्क हो रहा है वो कंप्यूट ए न्यू वैल्यू फॉर पिक्सल, पिक्सल के लिए नई वैल्यू, और यहाँ सुपर सैम्पलिंग में भी पिक्सल्स पे पिक्सल्स को डिवाइड कर रहे हैं सब पिक्सल्स में। जबकि प्री फिल्टरिंग टेक्निक्स क्या है, पिक्सल इज ट्रीटेड एज ए फाइनाइट एरिया रेदर देन एज ए पॉइंट। प्री फिल्टरिंग टेक्निक्स वर्क्स ऑन अ ट्रू सिग्नल्स इन अ कंटिन्यूअस स्पेस टू ड्राइव प्रॉपर वैल्यू फॉर इंडिविजुअल पिक्सल्स। देयर इज वन मोस्ट पॉपुलर प्री फिल्टरिंग टेक्निक टर्म एन एरिया सैम्पलिंग।
जो एरिया सैम्पलिंग है ये प्री फिल्टरिंग टेक्निक्स हैं और सबसे ज्यादा हमारी यही यूज होती है। एक पूरे एरिया पे हम एक तरीके से जो हमारा वर्क ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हैं, यानी प्री फिल्टरिंग टेक्निक्स एक जैसे जो पिक्सल्स हैं उनका कलेक्शन रखता है तब उनको ऑपरेशन अप्लाई करता है, और इसको बोलते हैं एरिया सैम्पलिंग। एरिया जो सैम्पलिंग है वो क्या है, इन दिस अप्रोच वी सुपर इम्पोज ए पिक्सल ग्रिड पैटर्न ऑन टू द कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट डेफिनेशन। इसमें जो हम क्या करते हैं, पूरा पिक्सल ग्रिड बना, काम तो हमें पिक्सल पे ही करना है, बट एरिया, अगर हम बात करें एरिया सैम्पलिंग में, तो एरिया सैम्पलिंग एक डायरेक्टली पिक्सल पे ना काम करके हम एक ग्रिड बना रहे हैं कंटिन्यूस ऑब्जेक्ट डेफिनेशन जिसमें स्टोर है, और वहां पे हमारी ये एरिया सैम्पलिंग हम परफॉर्म करेंगे। और इसमें क्या होगा, जैसे हमारा कोई पूरा एरिया है तो उस एरिया में जैसे यहाँ पे हमारी लाइन जा रही है, फॉर ईच पिक्सल एरिया दैट इंटरसेक्ट ऑब्जेक्ट वी कैलकुलेट द परसेंटेज ओवरलैप बाय द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखते हैं, अभी मैं बता देता हूँ, छोटा सा इसको क्लियर करो। जैसे ये है आपका एक स्क्रीन पे बना हुआ पिक्चर, इसके अंदर ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे कलर कुछ डार्क है, यहाँ आपका लाइट कलर है, ये ओवरलैप्ड एरिया है, जो ये ओवरलैप एरिया है पूरा का पूरा, ठीक है। इस पूरे ओवरलैप का एवरेज कलर निकाल देगा, ठीक है, और उस एवरेज कलर को पूरे के पूरे एरिया में फिल कर देगा। होता क्या है कि यहाँ मान लो डार्क है कुछ ज्यादा और यहाँ लाइट है, क्यों है लाइट, कि हमारे पास इसकी भी इंटेंसिटी इसके पिक्सल्स की भी पड़ रही है, और ये जो सर्किल है इसके पिक्सल की भी इंटेंसिटी पड़ रही है, तो कहीं पे इंटेंसिटी हाई है कहीं पे लो है, तो जो कलर है पिक्सल्स का वो डिफर हो जाता है। डिफर का मतलब कि यहाँ अलग कलर के पिक्सल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ अलग कलर के। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे का एवरेज निकाल लेते हैं और उस पूरे का जो एवरेज होगा उसे यहाँ पे फिल कर देंगे, ताकि पूरा का पूरा एरिया हमें एक जैसे कलर का दिखाई दे, ठीक है। तो ये इस तरह का जो टेक्निक्स हैं ये एरिया सैम्पलिंग के अंदर आती है। फॉर ईच पिक्सल एरिया दैट इंटरसेक्ट द ऑब्जेक्ट वी कैलकुलेट द परसेंटेज ओवरलैप बाय द ऑब्जेक्ट। जो हमारा इंटरसेक्ट एरिया है उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितना हमारा जो है ऑब्जेक्ट है उसका हिस्सा ओवरलैप कर रहा है। द परसेंटेज डिटरमाइन द प्रोपोर्शंस ऑफ ओवरऑल इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ द कोरस्पोंडिंग पिक्सल दैट इज ड्यू टू द ऑब्जेक्ट कंट्रीब्यूशन। अब इसमें क्या है कि ये 30% हमारा काम कर रहा है, 30% हमारा ओवरलैप है पूरे सर्किल का, ये वाला हिस्सा 30% मान लिया हमने। तो ये जो 30% है ये पूरे के पूरे जो सर्किल है उसके कलर को शो करने में इसका रोल प्ले करेगा। एवरेज निकालेंगे, एवरेज का 30% जो कुल एवरेज है उसका 30% इसमें से लेंगे, और फिर उस तरह का कलर यहाँ पूरे में शो होगा, जिससे जो है एक समानता, एक जैसा कलर दिखाई दे, और उस एक जैसे कलर के से फायदा ये होगा कि जो हमें जो है एंटी लाइजिंग जो इफेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। जैसे अभी हमने इसमें एक एग्जाम्पल और लिया है, सपोज ए लाइन पास थ्रू टू पिक्सल्स, द पिक्सल कवरिंग बिगर पोर्शन ऑफ द लाइन डिस्प्ले 90% इंटेंसिटी वाइल लेस एरिया 10% कवरिंग पिक्सल डिस्प्ले। मान लो हमारे पास एक लाइन क्रॉस होके जा रही है किसी एरिया से, और उसका 90% जो हिस्सा है वो तो
जो लाइन का 10% इंटेंसिटी पे है, कुल एरिया का जो है, जो हमारा डिस्प्ले है उस वहाँ पे 90% इंटेंसिटी है उस लाइन के 90% एरिया की, और 10% जो कवरिंग एरिया है वो 10-15% इंटेंसिटी का है। देखो अभी मैं बता देता हूँ, यहीं से आएगा समझ। एक लाइन है यहाँ पे, ये हमारी जो लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है, ये 10% है बाहर और 90% है ये यहाँ पे अंदर। इसका लाइन का 90% जो है वो वहां है जहाँ इंटेंसिटी हायर है, लगभग 90% है इंटेंसिटी, ठीक है। और ये जो 10% है ये वहां पे आ रहा है लाइन जहाँ इंटेंसिटी 10-15% ही है। तो अब इस लाइन का कलर कैसा शो होगा वो इन दोनों इन सब का पूरे का एवरेज निकाल लेंगे और उस कलर की ये और या उस इंटेंसिटी की ये लाइन ड्रा कर देंगे हम। यानी हमारी जब लाइन ड्रॉ होगी वो दोनों का मिक्स होगा। इफ द पिक्सल एरिया ओवरलैप विद डिफरेंट कलर एरिया द फाइनल पिक्सल कलर इज टेकन एज एवरेज ऑफ कलर ऑफ ओवरलैप एरिया। जो ओवरलैप एरिया है उसका जो कलर होगा एवरेज उसको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इस तरीके से ये तुम्हारा एंटी अलाइजिंग टेक्निक्स काम करते हैं। तो कुल मिला के यही है आज का टॉपिक। अभी मैं